1819 में आज के दिन सर थॉमस स्टैमफोर्ड रेफर्स ने सिंगापुर की खोज की। 1890 में आज के दिन भारत रत्न से सम्मानित महान स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म हुआ। 1899 में आज के दिन स्पेन ने क्यूबा, प्लूटो रिको, गुआम और फिलीपींस अमेरिका को सौंप दिए। 1911 में आज के दिन अमेरिका के एरिजोना में पहला वृद्धाश्रम खोला गया। 1918 में आज के दिन 30 वर्ष से अधिक की आयु की महिलाओं को ब्रिटेन में मतदान करने का अधिकार मिला। 1952 में आज के दिन ब्रिटेन नरेश जॉर्ज छठवे के निधन के बाद एलिजाबेथ द्वितीय गद्दी पर बैठी। 1959 में आज के दिन सुश्री अन्ना चांडी केरल उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी। 1968 में आज के दिन फ्रांस के ग्रेनोबेल शहर में 10वें शीतकालीन ओलंपिक शुरू हुए। 1985 में आज के दिन ब्रिटिश उपन्यासकार जेम्स हेडली चेज का स्विट्जरलैंड में निधन हुआ। 1987 में आज के दिन जस्टिस मैरी गॉडरन ऑस्ट्रेलियाई हाईकोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला बनी। 1993 में आज के दिन टेनिस के जाने माने खिलाड़ी आर्थर एश का निधन हुआ। 1994 में आज के दिन पाकिस्तान में सार्वजनिक फांसी पर प्रतिबंध लागू हुआ। 1997 में आज के दिन इक्वाडोर की कांग्रेस ने राष्ट्रपति अब्दाला बुकारम को अपदस्थ कर दिया। साल 2000 में आज के दिन विदेश मंत्री टार्जा हेलुनेन फिनलैंड की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गयी। 2006 में आज के दिन आजाद हिंद फौज के अधिकारी गुरबख्श सिंह ढिल्लों का निधन हुआ।